नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मे डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अनदर फॉर द अदर, एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि ये आ सकता है कि आपको कि किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है या दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। अभी देखिए, कल रात में न्यूज आया कि किम जोंग कहाँ था 21 दिन से, और पता चला कि वो किसी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहा था, लेकिन न्यूज 18 का ये न्यूज है कि वो एक यूरेनियम कंपनी फॉर एटम बम, वो यूरेनियम निकालना चाह रहा है और उसके लिए उसने फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो यूरेनियम और थोरियम एक ऐसे एलिमेंट हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं, पर एटॉमिक एनर्जी, अभी पूरे वर्ल्ड में हम जितना भी एनर्जी कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है उसका 2% केवल एटॉमिक एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वही यूरेनियम एटॉम बम भी बना सकता है। तो ठीक उसी तरह से जहां पर हम मान लो कि बांध दे गए, डैम बना रहे, तो डैम से हम बिजली पैदा करेंगे, लेकिन उस डैम को बनाने में जो आसपास के गांव हैं, जो उनके हैबिटेट्स हैं लोगों के, उनकी खेती बाड़ी है, उनके पशुधन है, सारे कुछ, तो उनको उजाड़ना होगा, दे हैव टू बी शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इट इज डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ लाइफ, सराउंडिंग्स ऑफ लाइफ एंड हाउ दे टेकन देयर ओन लाइफ। तो डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज द एमिनिटीज और इंक्रीजमेंट ऑफ फिजिकल थिंग्स, दैट इज डिफरेंट फॉर पीपल्स, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स। तो एक आदिवासी के लिए कभी भी जंगल को काटकर वहां पर कारखाना बनाना, उसके लिए कभी भी विकास नहीं होगा, क्योंकि उसकी आजीविका, उसके जीवन की गुणवत्ता, उसके जीवन का सर्वाइवल, सब कुछ उस जंगल पर निर्भर करता है और उस जंगल से मिलने वाले उसके स्रोतों पर निर्भर करता है। तो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, बट दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मिनिमाइज, दैट इज हैपन एवरीवेयर। कोई कार से चलता है और कार से चलने वाला जो है, कार से चलने वाला वो एज्यूम करता है कि आई एम डेवलप एंड दैट इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन उसका जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है उससे किसी गरीब व्यक्ति को बीमारियां हो सकती हैं, जो सड़क किनारे अपनी दुकान चलाते हैं, सड़क किनारे रहते हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारियां होती है। तो क्या इसको स्टॉप किया जाए? नो, देयर इज ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन एंड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन, बट दैट कन्फ्लिक्ट कैन बी मिनिमाइज थ्रू ए रैशनल डेवलपमेंटल प्रोसेस, एंड दैट डेवलपमेंट बेनिफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दोज पर्सन ऑल्सो हु गेट नेगेटिवली इम्पैक्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस और शिफ्टेड फ्रॉम दैट डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो एक का विकास दूसरे के लिए अविकास इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ क्वालिटी, जिसपे वो निर्भर करते हैं, ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ देयर रिसोर्सेज, एंड ड्यू टू दिस इट इज सेड दैट डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। At last, what is the role of public facilities in development of people? Public facility ka role kya ho sakta hai development ke liye? Development is the prime function of any government, and government have to be try to develop all peoples at same level, but it never be possible, because in previous video I already mentioned that economic equality cannot be possible at any stage or by any government. इकोनॉमिक इक्वालिटीज नहीं हो सकते हैं, देन देयर फॉर गवर्नमेंट कैन ट्राई टू फैसिलिटेट दोज पीपल्स टू एनहांस दोज पीपल्स लाइफ स्टैंडर्ड एंड द एडुकेट सर्विसेज एंड नेसेसरी आइटम्स शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, and that can be available to peoples for the peoples of lower and poor sections of the society on a minimum cost, because whenever there is public facilities provided or public facilities provided by the government, that public facilities were produced on a large scale for a mass people, and whenever we produce anything on large scale or for mass people, the per unit cost of that particular
आइटम इज गोइंग टू बी डिक्रीज और वो घटता जाता है एंड इन दीज टर्म्स वी कैन फैसिलिटेट। जैसे एम्स में बहुत कम पैसे में लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज हम अवेल करते हैं और चाहे वो धनी आदमी हो या गरीब, तो एम्स अब तो सभी राज्यों में खुल रहे हैं। तो दैट इज एन एग्जाम्पल कि अगर कोई देश में पर कैपिटा इनकम में बहुत ज्यादा डिस्पार्टीज है, नेशनल इनकम वर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इन स्पाइट ऑफ दिस गवर्नमेंट ट्राई टू फैसिलिटेट दोज पीपल्स हु आर अंडर द लोअर एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे कैन गवर्नमेंट कैन एनहेंस देयर लाइफ स्टैंडर्ड, देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द प्रोविजन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी ऑन ए लोअर एंड चीपर कॉस्ट। देयरफॉर these are 10 important question to all students. You must have to be note it and also make in your homework copy and also send to your subject teacher and class teacher through WhatsApp group. And in next video we are discussing another question also. Okay, till then, bye.